है घर पर नजर चैनल में। श्रीमान इंदौर के अखंड धाम में अखंड संत सम्मेलन होने जा रहा है और इसमें विशेष रूप से काफी सारे संत विद्वान आएंगे और सब अपनी अपनी बात रखेंगे। तो आइए इस सम्मेलन में जो करवा रहे हैं यहाँ के महामंडलेश्वर जी उनसे चर्चा करते हैं। प्रणाम सर, और बताइए इस सम्मेलन में विशेष रूप से क्या क्या आयोजन होने जा रहा है आपकी तरफ से, सम्मेलन जो कराया जा रहा है। इसमें विशेषता ये रहेगी कि मानव जीवन में वेदांत की क्या उपयोगिता है, सनातन धर्म की क्या महिमा है और समाज में आज जो कुरीतियाँ चल रही हैं, बच्चे हमारे जो भटक रहे हैं, संस्कारों की कमी है, तो संस्कार कैसे दिया जाए बच्चों को, ये इसका भी हम लोग प्रचार करेंगे। महापुरुषों के द्वारा इस पे गहन विचार होगा और हमारा जो हिंदू धर्म में कुठाराघात जो एक लव जिहाद चल रहा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूसरा ये आज हमारे जो संस्कारों की कमी से जो माता पिता हमारे वृद्धाश्रम में जाते हैं तो उसके लिए चिंतन फिर चिंतन करना जरूरी है, क्यों जाते हैं, किसकी कमी है, तो कमी हमारी रहेगी, हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, जब संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे भटक जाएंगे, पाश्चात्य संस्कृति हावी हो जाएगी, इसीलिए उस पर विशेष चर्चा होगी। और इसमें कौन कौन से महात्मा आने वाले हैं विशेष रूप से? विशेष रूप से जगतगुरु शंकराचार्य जी रहेंगे और हर जगह के महामंडलेश्वर करीब 15-20 महामंडलेश्वर बधा रहे हैं। ये आयोजन कब से कब रहेगा? ये 8 से प्रारंभ होगा और 14 को समापन होगा। ठीक है, और इसमें समय क्या रहेगा? समय रहेगा 2 से 6 बजे तक। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इंदौर के अखंड धाम में यहाँ पर विशेष रूप से संत सम्मेलन होने जा रहा है और इस संत सम्मेलन में काफी सारे भव्य आयोजन होने जा रहे हैं। तो इस संत सम्मेलन जो करवा रहे हैं हरि अग्रवाल जी, जो बड़ी समाज सेवी और समाज के रूप में काफी सारे अपना सेवादान करते रहते हैं, तो आइए आप भी से जानते हैं इस विशेष आयोजन पे अपने मार्गदर्शन। नमस्कार, आपका स्वागत है। बताइए जो सम्मेलन होने जा रहा है इस पे आपका क्या क्या रुझान है और क्या क्या संत सम्मेलन में क्या क्या अतिथि आएंगे विशेष रूप से? एक तो अखंड धाम की पावन भूमि पे पधारे हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया वालों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये अखंडानंद जी महाराज की तपोभूमि है। यहाँ पर 55वां अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन कल से शुरू होने वाला है। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक निरंतर ये आयोजन चलेगा, जिसमें देश के कोने कोने से 40 से ज़्यादा संत महापुरुष विद्वान महामंडलेश्वर जी, शंकराचार्य जी, जगतगुरु, ये सब संत पधार रहे हैं। इसके अलावा 200 और महात्मा, करीब 250 संतों का यहाँ जमावड़ा होगा, जो धर्म के साथ साथ सामाजिक जागरूकता, जन चेतना, राष्ट्र प्रेम और संयुक्त परिवार, लव जिहाद, हिंदुत्व को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का महत्व आदि कई विषयों के ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी और समाज में जो विकृतियाँ आई है उसमें सुधार और चिंतन के हिसाब से धर्म गुरुओं द्वारा उपदेश दिए जाएंगे। इसमें समय क्या है? क्या की जाएगी? दोपहर को 2 से शाम को 6 बजे तक ये सत्र चलेगा। और इसमें विशेष रूप से कोई विशेष संत महामंडलेश्वर आएंगे जो इसमें? यहाँ पे जगतगुरु भानपुरा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के श्री रामदयाल जी महाराज पधार रहे हैं, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी पधार रहे हैं, बॉम्बे से महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद जी, वृंदावन से स्वामी भास्करानंद जी, और भी ऐसे कई विभूतियाँ आ रही है जो अलग अलग धर्म के ऊपर, वेद के ऊपर, सनातन धर्म के महत्व के ऊपर अपनी व्याख्या देंगे। और हम लोग यहाँ पर कई तरह के शिविर भी लगाएंगे, खास करके बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के लिए लव जिहाद से कैसे बचा जाए उसके ऊपर भी जन जागृति हेतु हम यहाँ पे शिविर लगाएंगे और उसका एक आयोजन का हम प्रारूप रखेंगे। धन्यवाद।